प्रदेश में इस बार सर्दी ने लेट दस्तक दी है, लेकिन दस्तक ऐसी दी है कि लोगों की कपकपी छूट गई है। पिछले चार दिनों से पूरा प्रदेश कड़ाके की सर्दी के आगोश में है। घना कोहरा जहां दोपहर 2 बजे तक पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में लिया हुआ है, तो वहीं गिरता हुआ तापमान लोगों की कपकपी छुटा रहा है। प्रदेश में अगर रात के तापमान की बात की जाए तो प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान जहां 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, तो वहीं कई जिलों में ये तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जो औसत से करीब 3 से 4 डिग्री कम है। इसके साथ ही आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान औसत से करीब 5 से 6 डिग्री कम जो है वो दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिन के तापमान की अगर बात की जाए तो दिन के तापमान में भी पिछले 3 दिनों से भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिन का तापमान प्रदेश के अधिकतर जिलों में करीब 18 से 19 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत से करीब 4 से 5 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। अब बात करेंगे मौसम विभाग की चेतावनी की, तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से आगामी 4-5 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार 5-6 जिलों में मावठ का दौर भी चल सकता है। इसके साथ ही घना कोहरा और मावठ की जो चेतावनी है वह मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। यानी कि अभी तक जहां सर्दी लोगों की कपकपी छुटा रही थी, तो वहीं आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश में जो मौसम बनने वाला है वह लोगों को जमकर परेशान कर सकता है। इस दौरान रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, तो वहीं दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में आने वाले 2 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि कई हिस्सों में जहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो वहीं कई स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। और ये जो सर्दी का दौर है ये आने वाले 5-6 दिनों तक यूं ही चलता रहेगा। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी करते हुए जहां बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी लोगों को और कपकपाती हुई नजर आएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से बचकर रहने और सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।